श्रद्धे गुरुजन उपस्थित महानुभाव माता बहनों हमारी आराधक तपस्वी आत्माओं, अपनी बात कहने से पहले एक छोटी सी घटना निवेदन करता हूं। बड़ी प्यारी घटना है। अति सुंदर घटना है, अति प्यारी घटना है। एक चित्रकार ने किसी व्यक्ति से ये बात कही कि साहब, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। एक चित्रकार महोदय ने एक व्यक्ति से जाकर के निवेदन किया कि भाई साहब, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, आप मेरा चित्र बना ही नहीं सकते हो। यदि आप मेरा चित्र बना दोगे तो मैं आपको मुंह मांगा दाम दे दूंगा। आप मेरा चित्र नहीं बना सकते हो। उसने कहा, नहीं, मैं आपका चित्र बना करके ही रहूंगा, और आपका जैसा चेहरा है, आपका जैसा शरीर है, आपका जैसी देह है, मैं हूबहू आपका वैसा ही चित्र बना दूंगा। उसने कहा, साहब, आप मेरा चित्र बना ही नहीं सकते हो। यदि आप मेरा चित्र बना दोगे तो मैं आपको मुंह मांगा दाम दे दूंगा। आजकल देखते हैं हमारे नवयुवकों को बाल भी बड़े बना लेते हैं। छोटी सी पीछे चुटिया भी रख लेते हैं, दाढ़ी भी बना लेते हैं। विनीत भैया मूंछ के ऊपर बट भी दे लेते हैं। यही तो आजकल का फैशन है। उसने कहा, साहब, आप मेरा चित्र नहीं बना सकते। यदि बना दोगे मेरा हूबहू चित्र तो मैं आपको मुंह मांगा दाम दे दूंगा। मैं उस चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। बनाने के बाद जैसा ही उसको मालूम पड़ा, जैसा ही उसको खबर पड़ी, विनीत भैया उसने दाढ़ी मुंडवा ली और कह दिया, ये तो मेरा चित्र है ही नहीं। परेशान हो गया, दुखी हो गया। दूसरी बार फिर उसने उसका चित्र बनाया जिसमें उसकी दाढ़ी नहीं थी, केवल मूंछ थी। उसको पता लगा, उसने मूंछ मुड़वा ली। तीसरी बार फिर उस व्यक्ति ने उसका चित्र बनाया जिसमें उसके दाढ़ी के बाल भी नहीं थे, मूंछ के बाल भी नहीं थे, सिर के बाल थे। जब उसे पता लगा, उसने सिर के बाल भी मुंडवा दिए।
व्यक्ति परेशान हो गया, दुखी हो गया, सारी की सारी मेरी मेहनत बेकार चली गई, जितनी मैंने मेहनत की थी मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, उल्टा मेरे दिल को बहुत दुख लगा, परेशान हो गया मैं। आखिर वह व्यक्ति दुखी हो करके अपनी शिकायत लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, वह व्यक्ति बीरबल के पास में गया, वह व्यक्ति बीरबल के पास में चला गया। उसने कहा साहब ऐसी ऐसी बात मेरे साथ में हो गई है, अब आप ही बताओ, आप बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, आप अक्लमंद हो, मैं क्या करूं, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा, समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, आप मुझे कोई रास्ता बताओ, आप मुझे कोई बात बताओ। बीरबल ने कहा तो सिंपल सी समस्या है, बहुत आसान समस्या है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, आप बताओ कि क्या करूं मैं। उसने कहा कि छोटा सा उपाय करवा, आप एक अच्छा सा दर्पण ले लो, आप एक अच्छा सा दर्पण ले लो, शीशा ले लो, उसके ऊपर बड़ा ही सुंदर कागज और उसके ऊपर बड़ा ही सुंदर पैकिंग कर लो, उसको पैकिंग को लेकर के आप ले जाकर के आप उसको दिखा दो कि कहो साहब अब मैंने जो चित्र बनाया है अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको फेल नहीं कर सकते हो, इसकी ओपनिंग आप ही कीजिए, इसका उद्घाटन आप ही कीजिए, वह भी खुश और वह भी खुश। जैसे ही उसने ऊपर का फीता खोला, कागज हटाया, उस व्यक्ति ने जाकर के उसको शीशा दिखा दिया, उस व्यक्ति ने उसको जाकर के दर्पण दिखा दिया, शीशा दिखा दिया। अब दर्पण में तो जैसा चित्र होगा वैसा ही तो नजर आएगा, दर्पण में जैसा उसका चित्र होगा वैसा ही तो नजर आएगा, अब बेचारा मना कैसे कर सकता था। ये बुद्धि, ये अक्ल, ये उसको फिर बन देती, लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात कोई ठोस बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसके पीछे जो रहस्य की बात है, दर्पण में हमारा चित्र नजर आता है, दर्पण में हमारा चित्र नजर आता है, हम इसीलिए देखते हैं,
बात गंभीर है, समझने लायक है। दर्पण में हमारा संजय भैया चित्र नजर आता है, इसीलिए हम उसको देखते हैं। यदि हमारा चरित्र नजर आने लग जाए ना तो कोई देख ही नहीं उसको। दर्पण में हमारा चित्र नजर आता है, हम अपना चित्र देखकर के अपनी शक्ल को अपनी सूरत को सुधार सकते हैं, लेकिन यदि दर्पण में यदि हमारा चरित्र नजर आता होता तो शायद कोई दर्पण देखता भी नहीं। अरे दर्पण को देखकर के हम अपना चेहरा सुधार लेते हैं, लेकिन सीधी सी बात मैं आपसे ये बात कहूं, दर्पण नहीं, जब हम भगवान का चरित्र देखते हैं तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं। जब हम भगवान का चरित्र देखते हैं हम अपने आप को सुधार लेते हैं। हमारे भगवान सचमुच में मेरे भगवान सामान्य भगवान नहीं है। और सीधी सी बात है, जितने भी हमारे तीर्थंकर आत्माएं हैं, जितनी भी हमारी तीर्थंकर आत्माएं हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। सीधी सी बात निवेदन करूं कि हमारे जितने भी भगवान हैं, आप सबको नहीं पहचान सकते, लेकिन हमारे भगवान पार्श्वनाथ ऐसे हैं, छोटा बच्चा भी कहने का नहीं नहीं फन देख करके कह देगा। हमारे जितने भी भगवान हैं, नाम पढ़ लेगा, चिन्ह देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन यदि कोई बिना पढ़े बिना कोई देखे यदि किसी भगवान की पहचान होती है तो किसकी पहचान होती है? भगवान पार्श्वनाथ की पहचान होती है। इसीलिए हमारे भगवान क्या है, बहुत विशेष है। मेरे भगवान बहुत विशेष हैं, इनकी महिमा का कोई भी पार नहीं, इनकी महिमा का कोई भी पार नहीं है। जितने भी हमारे भगवान हैं, जितनी भी हमारी तीर्थंकर आत्माएं हैं, सबसे पहले यदि कोई किसी की प्रतिमा बनी हो तो यही परमात्मा है। अभी जन्म भी नहीं हुआ था, अभी भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, इस चौबीसी की बात नहीं, पिछली चौबीसी की बात है। और जिस समय उस व्यक्ति को आषाढ़ी श्रावण को ये बात मालूम पड़ी, ये भगवान है, मैं इनका शिष्य बनूंगा, मैं इनका गणधर बनूंगा, तब मेरी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए मेरे भगवान इतने सुंदर हैं कि अभी तो पता नहीं कितना समय है, कितना समय है, कितना समय है, कितना समय है, फिर भी भगवान की प्रतिमाएं बन गई। और किसी परमात्मा की प्रतिमा बनी हो या ना बनी हो,
किसी शावक ने परमात्मा की प्रतिमा बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन उस श्रावक को धन्य है जिसने कितने समय पहले भगवान की प्रतिमा बना करके तैयार कर दी। ऐसे हमारे भगवान हैं, और हमारे भगवान तो इतने अच्छे हैं जो मांगो सो मिल जाता है, जो मांगो सो मिल जाता है। देने में कमी नहीं रखते, देने में कोई कमी नहीं रखते। लेकिन हमारी परंपरा में एक बात कही जाती है, जैन परंपरा में एक बात कही जाती है विनीत भैया, भगवान कुछ नहीं देते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं वही हमें सब कुछ देते हैं। जो हमारे भगवान के सेवक होते हैं, अधिष्ठान देव होते हैं, वही हमको सब कुछ देते हैं, भगवान हमें कुछ नहीं देते। लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, जितने तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन एक बात निवेदन करूं, हमारे अधिष्ठायक देव कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं विनीत भैया, कि जो भगवान के पास में जाते हैं उन्हीं की इच्छा पूरी करते, दूसरे की इच्छा नहीं पूरी करते। क्यों, गलत कहा गया? क्यों महाराज जी, धोखा तो नहीं आ गया? हमारे अधिष्ठायक देव इतने सुंदर हैं विनीत भैया, इतने अच्छे हैं। क्यों संजय भैया, नरेंद्र जी, मेरा वाले असाइया रखी कर, हमारे भगवान इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, जो भगवान के पास में जाते हैं उसी के ऊपर ही कृपा करते, जो भगवान के पास में नहीं जाते ना उनके ऊपर कृपा नहीं करते। जो हमारे भगवान के पास में जाते हैं हमारे भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं, जो नहीं जाते हैं भगवान ने उसके ऊपर कृपा नहीं करते। इसलिए मैं बार बार ये बात निवेदन करता हूं, बार बार कहता हूं कि भगवान के पास में जरूर जाया करो, भगवान का दर्शन जरूर किया करो। भगवान की पूजा जरूर किया करो, और मैं तो कहता हूं दिन अच्छा नहीं जाएगा, जिंदगी अच्छी चली जाएगी तुम्हारी। दिन तो अच्छा जाएगा ही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी जाएगी। लेकिन एक बात निवेदन करूं, किसी व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, किसी व्यक्ति ने इतनी सुंदर बात लिखी थी, इतनी सुंदर बात कही थी
कभी दिमाग से भूलता नहीं उस बात को, याद रखना इस बात को आप लोग। किसी व्यक्ति ने ये बात कही थी, किसी व्यक्ति ने ये बात लिखी थी, कि मुझे, बड़ी गंभीर बात है, मुझे मंदिर जाने में इतना विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। बात ध्यान से सुनिएगा, अर्थ गलत मत निकालना। मुझे मंदिर जाने में इतना विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन जब मंदिर में जाने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। मैं मंदिर इसलिए जाता हूं मेरे जीवन में परिवर्तन आए। मुझे मंदिर के प्रति इतना विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन मंदिर में इसलिए जाता हूं मेरे जीवन में परिवर्तन आए। जब मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, मेरे जीवन में बदलाव आ जाता है, तो मुझे भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए हमारे मंदिर जाने के बाद धर्म क्रियाएं करने के बाद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए। ये बात आपको गलत लगी कि अच्छी लगी? बदलाव आना चाहिए। इसलिए हम लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, कि हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आए। हमारे भगवान क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। हमारे भगवान क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। आपने चरित्र पढ़ा होगा, छोटी सी घटना, बहुत प्राचीन काल की घटना है। वैसे तो उस घटना को मैंने कई बार पढ़ा, उस घटना को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन कई बार उस ओर ध्यान नहीं गया। जब मैंने उसको चिंतन किया, मनन किया, चित्त प्रसन्न हो गया। उज्जैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उज्जैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर हो सके तो कभी भूलना मत उसको। उज्जैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसको कभी भी भूलना मत। बहुत ऐतिहासिक नगरी, उज्जैन को कभी भूलना मत, बहुत ऐतिहासिक नगरी। आज से नहीं, वर्षों से है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी को मालूम होगा। इसी बार मैना सुंदरी ने आराधना कहां करी थी? श्रीपाल मैना सुंदरी ने
करी थी। संप्रति महाराजा कहां के थे? संप्रति महाराजा कहां के थे? विक्रम महाराजा कहां के थे? सनातन परंपरा का भी वह तीर्थ है तो जैन परंपरा का भी वह तीर्थ है। वो क्या है? उज्जैन है। वो क्या है? उज्जैन है। हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने जैन धर्म की बहुत बड़ी सुरक्षा की है, रक्षा की। हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने बहुत बड़ी सुरक्षा की है। उज्जैन के पास पुराना उज्जैन नगर है, पास में होता ही है। वहां पर एक मंत्रवादी रहता था, वहां पर एक मंत्रवादी रहता था। संजय बाबू जैनों का द्वेषी था, जैनों का द्वेषी था। उसके मन में एक ही बात थी, कि जब तक मैं इस नगर में हूं, किसी जैन साधु को टिकने नहीं दूंगा, किसी जैन साधु को यहां पे रुकने नहीं दूंगा। ये उसने अपने मन में सोच रखा था। ये उस व्यक्ति ने अपने मन में सोच रखा था कि किसी भी जैन साधु को इस गांव में रुकने नहीं दूंगा। लेकिन हमारे आचार्य तो आचार्य होते हैं, हमारे आचार्य तो आचार्य होते हैं। ज्ञानी भी होते हैं, साधक भी होते हैं, मंत्रवादी भी होते हैं। किसी का अनर्थ नहीं करते, किसी का अनर्थ नहीं करते। जब कभी जैन परंपरा के ऊपर कई आपत्ति आ जाती तभी उसका प्रयोग करते, नहीं तो अपने जीवन में मस्त रहते, नहीं तो अपने जीवन में आनंदित रहते, प्रसन्न चित्त रहते। एक समय आचार्य श्री सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य श्री सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज अपने शिष्य परिवार के साथ में पधारे। उन्हें क्या मालूम था कि यहां की गांव की ये स्थिति है, ये परिस्थिति है।
साधु तो रमता भरा पधार गए, इसमें क्या बात है। आने के बाद मुनि लोग गोत्री के लिए पधारे, मुनि लोग गोत्री के लिए पधारे, रास्ते में ही वह मिल गया, रास्ते में ही वह मिल गया, उसने देख लिया, उसने अपनी व्यंग भरी भाषा में पूछा, व्यंग भरी भाषा में कहा, अरे महाराज आप लोग यहां ठहरोगे क्या, महाराज आप लोग ठहरोगे क्या। उसने कहा हम तो रुके हुए हैं, हमने और कहां जाना है, हम तो रुके हुए हैं। ये बात सुनकर के उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया मुनियों ने जाकर के अपने गुरु जी से निवेदन किया, मुनियों ने जाकर के अपने गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी ने कहा कि कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं, परमात्मा हमारी सब रक्षा करेंगे, परमात्मा हमारी सब रक्षा करेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिस प्रकार से वह अपने मंत्र का प्रयोग करता है, मुनियों को समाप्त करने के लिए, मुनियों को वहां से निकालने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, लेकिन आचार्य सिद्धि तो एक ही अपनी साधना में लगे हुए, आचार्य श्री जी तो अपनी साधना में लगे हुए हैं, न खाने की चिंता है न पीने की चिंता है, वो साधना में लगे हुए हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में ठान लिया, या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, दोनों में से एक रहेंगे। आचार्य श्री जी जब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस साधना का और उस जप का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था, एक भी शक्ति उसके काम नहीं कर सकी, एक भी शक्ति आचार्य श्री जी का और मुनियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जब उसने देखा कि मेरी सारी शक्तियां परास्त होती जा रही हैं, कोई भी काम नहीं कर रही हैं, इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सका है, फिर व्यक्ति के पास में एक ही रास्ता रहता है, फिर व्यक्ति के पास में एक ही रास्ता रहता है, नीति कहती है, नीति कहती है कि जो हमारे से बलवान हो उससे कभी झगड़ा मोल मत लेना, ये बात हमेशा याद रखेगा कि जो हमसे बलवान है, शक्तिशाली है, उससे कभी झगड़ा मोल मत लेना। नहीं तो परास्त हो जाओगे, मारे जाओगे। पूज्य आचार्य श्री जी के श्री चरणों में हाजिर हो गया, उपस्थित हो गया, नतमस्तक हो गया, अपनी गलती की परम गुरुदेव से क्षमा याचना की। यात्रा करने के बाद
उसके बाद में कभी भी उसने शहर में जब भी कोई जैन मुनि पधारते तो उसका उसी प्रकार से भव्य स्वागत होता, आदर सम्मान सत्कार होता। अब आप स्वयं बताओ, यदि हमारे आचार्य श्री में, आचार्य श्री सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज जी के जीवन में ज्ञान के साथ साथ या उनकी साधना नहीं होती विनित भैया, तो शायद आज जो हमारा जो उज्जैन की जो हमारी जो इतिहास है शायद वो कभी भी नहीं रहता। हम उस परमात्मा को भी नहीं भूलते हैं, हम उस परमात्मा को भी नहीं भूलते हैं। लेकिन इतनी बात हमेशा याद रखिएगा, इतनी बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराज, हमारे आचार्य प्रभावक आचार्य, आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराज, देखो साधना में कितना बल होता है, देखो साधना में कितना बल होता है। देखो मंत्र में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने मंत्र को जागृत किया था, और जो काम श्री विनीत भैया उन्होंने करके दिखाया कोई करके नहीं दिखा सकता। आप करके तो दिखाओ कोई, क्यों भगत जी, जो काम हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराज जी ने किया शायद ही कोई कर सकता है, नहीं कर सकता कोई। जो कार्य हमारे आचार्य श्री मानतुंग सूरीश्वर जी महाराज ने किया कोई नहीं कर सकता। बतावर तो हम रोज ही करते हैं, जो काम हमारे आचार्य श्री मानदेव सूरीश्वर जी महाराज ने किया शायद ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। मंत्र में कितनी शक्ति है, साधना में कितनी शक्ति है। आज जो काम हमारे आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने किया शायद ही कोई कर पाएगा। इसलिए ये हमारी जो साधनाएं हैं, यह जो हमारे मंत्र हैं, हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने इस धर्म को टिकाए रखने के लिए, हमारे श्रद्धा विश्वास को टिकाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को टिकाए रखने के लिए कितने कितने प्रयास किए। इसलिए हम इन आचार्यों को कभी भी भूल नहीं सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने आप लोगों से कही है कि ये सारे के सारे महापुरुष और ये सारे के सारे हमारे जो अधिष्ठायक देव हैं, ये किसके साथ में जोड़ते हैं, ये किसके साथ में जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ में जोड़ते हैं। किसके साथ में जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ में जोड़ते हैं। परमात्मा के पास में जाओगे, परमात्मा की पूजा अर्चना करोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, परमात्मा की भक्ति करोगे, तो ये अपने आप ही कृपा करेंगे, ये अपने आप ही कृपा करेंगे। तो हम लोग भी चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन करी, फिर वापस हम लोग जितनी भी आराधक आत्माएं हैं परमात्मा से यही दुआ मांगेंगे कि उनकी आराधना, उनकी तपस्या और उनका विश्वास, उनकी आस्था
जिसके लिए हम लोग इतनी दूर दूर से यहां पर आए हैं। यही दुआ करूंगा कि परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे, सबके ऊपर मेहरबानी करे। जो भाव हम लोग घर से लेकर के चले हैं, जो भाव हम लोग श्री विनीत भैया घर से लेकर के चले हैं, हमारी वो भावना पूर्ण होनी चाहिए। परमात्मन ऐसी हमको शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे और भक्ति भाव में लगे रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा, आपने मेरी बातें पूरी शांति से सुनी। कल हम फिर कितने बजे मिलोगे? कल सुबह 108 प्रार्थना पूजन है। हाँ, और गुरुदेव जब आदेश करें। कल कितने बजे मिलोगे? मैं बोलूं? चलो सही बात है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। एक बार मैं नहीं बोलूं, आप सभी मिलकर के बोलिएगा। एक बार बोले तो सही। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। कोई भी